गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप डॉट कॉम एंड एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। टुडे 20th of July 2020, वेरी स्पेशल प्रोग्राम अब ऑन निफ्टी दिस ब्रॉट टुडे बाय अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। फ्रेंड्स, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 11,000 से ऊपर का लेवल निफ्टी ने दर्ज किया और इस निफ्टी को बढ़ाने का सारा श्रेय, एक तरफा श्रेय बैंक निफ्टी को मिला और इसमें HDFC ICICI बैंक का अहम योगदान है। दोस्तों, एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या 11,000 के ऊपर निफ्टी टिक पाएगी, क्या निफ्टी 11,000 से ऊपर बंद हो पाएगी, क्या इसके अंदर आने वाले समय 11,200 11,500 के लेवल दर्ज होंगे और उसके बाद 12,000 भी देखा जाएगा। लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मार्केट एक्सपर्ट्स 11,200 और 11,500 और 12,000 और 12,500 की भी चर्चा कर रहे हैं। क्या संभव है? मार्च के बाद में 11,000 का लेवल पहली बार आया है इन लगभग 4 महीनों में, तो बहुत खुशी का माहौल है, बहुत उत्सव का माहौल है और बहुत ही सेलिब्रेशन का माहौल है। लेकिन क्या निवेशकों को इस स्तर के ऊपर मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर और एक बड़ी तेजी की ओर अग्रसर होते हुए देखना चाहिए? एक ये बड़ा प्रश्न हम सभी के दिमाग पे है, खासकर निवेशकों के दिल में एक और उनके दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर हो रहा है। एस्ट्रो फाइनेंस क्या कहता है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, टेक्निकल एनालिसिस तो बिल्कुल है, 10,970 के ऊपर ये सुपर बुलिश हो जाता है और 11,200 और 11,430 का लेवल कभी भी दिखाने की ये बात करता है। एस्ट्रो फाइनेंस क्या कहता है, एज पर एस्ट्रो फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस आई एम विथ यू ऑन दिस शो। देखिए, निफ्टी के अंदर स्पॉट बहुत महत्वपूर्ण है, 11,050 का लेवल, 11,050 का लेवल पार होना थोड़ा मुश्किल है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और उसके बाद निफ्टी की गिरावट संभव है। ये निफ्टी 10,980 10,940 10,880 ये तीन लेवल जो महत्वपूर्ण हैं नीचे के, ये आप नोट कर लें। संभवतः निफ्टी आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर इन लेवल्स को भी छू सकती है, संभावनाएं बन सकती हैं, तो दोस्तों इस पे विशेष ख्याल रखें। एक और महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करना चाहता हूं, सिल्वर के ऊपर मुझे कमजोरी की नजर आ रही है। सिल्वर के अंदर आज सोमवती अमावस्या है, 20 जुलाई को चंद्रदेव आज आकाश में आपको दर्शन नहीं देंगे और मंडे यानी सोमवती अमावस्या का एक बहुत बड़ा महत्व भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर बनता है, तो संभवतः आज आप सिल्वर के अंदर और कच्चे तेल के अंदर मुनाफा वसूली देख पाए, इसकी संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये बाजार संभावनाओं का खेल है, इसमें कोई बेचता है और कोई खरीदता है, बेचने वाला मंदी देख रहा होता है, खरीदने वाला तेजी देख रहा होता है, ये इसी का ही खेल ये बाजार है। कभी तेजी करने वाले व्यापारी जीतते हैं और कभी मंदी करने वाले व्यापारी देखते हैं। मुनाफा वसूली की संभावनाएं निफ्टी सिल्वर और कच्चे तेल पर आने की संभावना आज 20 जुलाई सन 2020 को नजर आ रही है। दोस्तों आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स कंडक्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी आप चर्चा कर सकते हैं, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। निफ्टी के ऊपर, बुलियन के ऊपर, बेस मेटल के ऊपर, इन सभी पर लाइव मार्केट की रिकमेंडेशंस हमारे वेबसाइट ajayastromoneygroup.com पर उपलब्ध है, आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।